मुरादाबाद में गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा जिला कार्यालय मानसरोवर कॉलोनी में जिला अध्यक्ष रवि चौधरी के निर्देश अनुसार मासिक बैठक का आह्वान किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रवि चौधरी द्वारा की गई, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत बनाने व पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्व पदाधिकारी एवं नव नियुक्त पदाधिकारियों को बताया गया कि जिले के गांव-गांव, गली मोहल्ले, शहर में जागरूकता अभियान चलाया जाए एवं पार्टी के कार्यों को बताया जाए और सदस्यता अभियान चलाना सुनिश्चित है। इसके अलावा रवि चौधरी ने बताया कि किसी भी गांव या शहर मोहल्ले में कोई भी ऐसा गरीब, शोषित, वंचित, आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार है और उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी बीमारी से ग्रसित है तो वह उसका उचित प्रमाण जिला कार्यालय पर जमा करा दे, उसके इलाज का संपूर्ण खर्च सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वहन करेगी एवं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी किन मुख्य बिंदुओं पर कार्य कर रही है, जैसे गरीबों का फ्री इलाज, तकनीकी एवं रोजगार, शिक्षा, जातिवाद, जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना व शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराना, महिलाओं का 50% आरक्षण लागू कराना, कहा कि उत्तर प्रदेश में बिहार व गुजरात की तर्ज पर शराब बंद कराना, स्नातकोत्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू करना, प्रत्येक जनपद में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, प्रत्येक जनपद में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र छात्राओं को IAS, IPS, PCS, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराना, दिल्ली एवं पंजाब की तर्ज पर घरेलू बिजली बिल माफ कराना। इस दौरान सतीश ढल, महानगर प्रभारी अमित चौधरी, जिला उपाध्यक्ष विनीत शंकर, राहुल ठाकुर, प्रशांत सिंह, मनीष जैन, मनुज जैन, आर्यन, हर्ष गौतम, उमा आर्य, गोविंद गौतम, राहुल ठाकुर, सत्यम गुप्ता, पुलकित शर्मा, अक्षत गोयल, शोधा चौधरी आदि उपस्थित रहे। मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे कि हर बार यही रहता है पार्टी अच्छी भी देती है, पार्टी का धनाधन कम हो जाता है, उसी को लेकर हम अपने कार्यकारी पदाधिकारियों के साथ निर्देश देते हैं कि अधिक से अधिक हमारी सदस्यता ले जाए, अधिक से अधिक सदस्य जन चौपाल लगा के सरकार की योजना के बारे में, मंत्री जी के बारे में, पार्टी के बारे में, इन योजनाओं को गाँव गाँव तक कैसे पहुँचे, यही हमारे क्या मैसेज देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पार्टी से यहाँ से जाने के बाद अपने जो गाँव के हैं, गाँव में जाए, शहर के हैं, शहर में जाके पार्टी के बारे में लोगों को बताएं कि अंबिका राजभर के पास जो मंत्रालय है उसमें ये काम है, मोदी जी की योजना सरकार की योजना के बारे में जानकारी, कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता, जैसे कि हमने उत्तर रखना था कि जिनके 6 बच्चे हैं उनका आयुष्मान बनना और जिनके 4 हैं उनका नहीं बनना, तो हम अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इन लोगों से मांग करते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कि जिसके 2 बच्चे हैं उसका भी आयुष्मान कार्ड, 4 हैं उनका भी बने, 6 हैं उनका भी, ताकि आयुष्मान कार्ड का जनता को इसका लाभ हो। और हाँ, हमने एक बात बताना भूल गया, जितने हमारे पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता, उन्हें मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, किसी गांव में अगर किसी महिला, किसी जेंट्स, किसी बच्चे को कोई बीमारी है और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी ओर से 25 लाख रुपए तक का इलाज कराने में उसका सहयोग करेगी, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हो, उस कार्य 2 लाख यहाँ कार्यालय में दे, हमारे यहाँ से हम सीधे केंद्रीय कार्यालय भेजेंगे, माननीय मंत्री जी उस पर संज्ञान लेते हुए उसकी जांच करा के उसका 25 लाख तक का इलाज, बहुत बड़ी रकम है जो हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी ओर से करेगी। अब तक हमारी पार्टी कम से कम पूर्वांचल में 8-10 लोगों का इलाज इस तरह कर चुकी है, आने वाले समय में हो सकता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक एम्बुलेंस का भी संचालन कराएंगे हम जिला मुरादाबाद से, जिसमें कि हमारी एम्बुलेंस की एक रसीद कटेगी, वो 2100 की होगी, पदाधिकारी बैठक उसके बारे में मंत्रणा करेंगे हम, 2151 की, उसमें कोई नहीं, कुछ नहीं,
गाड़ी लेके जाए, एक दिन की हो, दो दिन की हो, मुफ्त में चलेगी फ्री। हम वो करने जा रहे हैं, विचार चल रहा है उसमें पार्टी से, हमारे जिले के जितने बड़ा अधिकारी। कब तक हो जाएगा, क्या संभव है? ये संभव है, देखो एक दो महीने में हम स्टार्ट को करेंगे। इलाज वाला काम भी 25 लाख तक का है जो सुहेलदेव भाई समाज पार्टी अपनी तरफ से करा रही, वो इस समय हो रहा है। अगर आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जाता हूँ, आपकी नज़रों में भी अगर कोई ऐसा हो कि इलाज के लिए मजबूर हो बेचारा, नहीं करा पा रहा हो, उसके डॉक्यूमेंट हमें दिए जाए, हम उसका इलाज कराने में पूरा सहयोग करेंगे।